भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी, ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी से निवेदन करता हूं कि आप कार्यकर्ताओं को संबोधित करें और देशवासियों का आभार व्यक्त करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। मंच पर उपस्थित विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई, जो आज की भारतीय जनता पार्टी के महाविजय के महानायक है, मैं सभी को कहना चाहूंगा कि जोरदार करतल ध्वनि से मोदी जी का हम सब स्वागत करें। मंच पर उपस्थित पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सम्माननीय सदस्यगण और आज भाजपा मुख्यालय पे और देश भर में सब जगह एकत्रित आए हुए, हर कार्यालय पर एकत्रित आए हुए भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं और देश की जनता को मेरा प्रणाम। मित्रों, आज देश के अंदर आजादी के बाद सबसे ऐतिहासिक विजय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई है, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। मित्रों, आज इस ऐतिहासिक विजय के लिए मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश के 125 करोड़ की जनता का मन पूर्वक धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये विजय जो है देश की जनता की विजय है, ये विजय जो है भारतीय जनता पार्टी के बूथ से लेकर हर स्तर पर काम करने वाले 11 करोड़ कार्यकर्ताओं के परिश्रम की विजय है। ये विजय है भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार, जिसने 2014 से लेकर 2019 तक जिन नीतियों के आधार पर काम किया, सबका साथ सबका विकास की नीति की विजय है। और ये विजय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता की विजय है। मित्रों, ये पांच साल के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के 28 करोड़ गरीब परिवारों को उनका जीवन स्तर उठाने के लिए सरकार के जरिए आजादी के 70 साल के बाद पहली बार सार्थक कदम उठाए। उनका आशीर्वाद, उनका जन समर्थन हमारे विजय का संबल बना है। करोड़ों कार्यकर्ताओं ने इतने लंबे चुनाव अभियान के अंदर जो परिश्रम की पराकाष्ठा की, वो हमारे विजय का कारण बना है। और मित्रों, मोदी जी ने जो अपनी प्रचंड लोकप्रियता के साथ एक तूफानी दौरा देश का किया, वो हमारी जीत का आधार बनकर एक प्रचंड विजय को हमें दिलाने में गए। मित्रों, कई मायने में यह जीत ऐतिहासिक जीत है। देश के अंदर 50 वर्ष के बाद पहली बार कोई पूर्ण बहुमत से शासन करने वाला प्रधानमंत्री फिर से पूर्ण बहुमत के साथ जनादेश लेकर फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। और हम सबको गौरव है के सम्मान, हम सबके सर्वोच्च नेता,
हम सबके प्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। मित्रों, दिल्ली की कार्यकारिणी हुई, दिल्ली की कार्यकारिणी में जब बात हुई कि एक गठबंधन बन रहा है, महागठबंधन बन रहा है, मैंने देश के कार्यकर्ताओं को कहा था कि 50% की लड़ाई लड़ने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता रण मैदान में उतरे। और आज आपके अध्यक्ष के नाते मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि देश के 17 प्रांतों के अंदर जनता ने 50% से ज्यादा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया। मित्रों, हमें अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर भी 50% से ज्यादा वोट प्राप्त हुए। मित्रों, ये प्रचंड विजय जो जनता ने दिलाई है, एक और तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को जिता है, दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी को करारी हार का मुंह देखना पड़ा है, करारी हार। देश भर के अंदर 17 यूनिट ऐसे है, 17 यूनिट ऐसे है जहां पर कांग्रेस पार्टी को बिग जीरो मिला है, बिग जीरो मिला है। मित्रों, ये 17 यूनिट है, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दीव, दमन और लक्षद्वीप, ये सब जगह पे कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई। मित्रों, ये जीत ने एक और बात भी तय कर दी है कि 50 साल से कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टिकरण का वोट बैंक बनाकर आगे बढ़ते थे, तुष्टिकरण का वोट बैंक आगे बढ़े। मोदी जी की प्रचंड लोकप्रियता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अथक परिश्रम, इन्होंने देश के लोकतंत्र की बड़ी सेवा की है, देश में से जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण को हमेशा के लिए दफन करने का काम ये जनादेश ने किया है। मित्रों, मैं उदाहरण देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के अंदर सपा बसपा दोनों इकट्ठा हुए और सपा बसपा जब इकट्ठा हुए तब पूरे देश के मीडिया कर्मियों का कहना था, हमारे साक्षात्कार में भी पूछते थे कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा, मगर मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर भी सपा बसपा को हराकर 60 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। ये प्रचंड विजय जो है, ये प्रचंड विजय दर्शाता है कि आने वाले दिनों के अंदर देश के अंदर ये परिवारवादी पार्टियों का कोई महत्व नहीं रहने वाला है, ये जातिवाद वादी पार्टियों का कोई महत्व नहीं रहने वाला है और तुष्टिकरण करने वालों को भी देश की जनता ने बरोबर जड़बा तोड़, मुंह तोड़ जवाब देने का काम ये देश की जनता ने किया है। मित्रों, दो दिन पहले एग्जिट पोल के रुझान आए, कुछ लोगों को रुझान हजम नहीं हुए और मैं आश्चर्यचकित हूं, 21 परिवारवादी पार्टियों ने पूरा दिल्ली सर पर उठा लिया था, घूम घूम कर एक दूसरे को मिलने जाता था, दूसरा तीसरे को, चौथा पांचवे को, छठा सातवें को, उनको लगता था
कि ये एग्जिट पोल गलत पड़ने वाला है और ईवीएम के अंदर हम मनभेद मतभेद खड़ा करकर जनता में भ्रांति फैलाएंगे। मगर मित्रों, आज जब जनादेश आया तब एग्जिट पोल से भी आगे जनादेश ने भारतीय जनता पार्टी को जिता। 21 परिवारवादी पार्टियां जो दिल्ली में घूम घूम करती थी, मैं इनको इतना ही सलाह देना चाहता हूं और विशेषकर चंद्रा बाबू नायडू को कि इतना परिश्रम अगर आपने वोट प्राप्त करने के लिए किया होता तो आपका खाता शायद खुल जाता। मित्रों, आज इसके साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव हुए हैं। आंध्र के अंदर श्री जगन रेड्डी के नेतृत्व में विजय प्राप्त हुई है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्री जगन रेड्डी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ओडिशा के अंदर भी श्री नवीन पटनायक जी को विजय प्राप्त हुई है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्री नवीन पटनायक को भी बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। सिक्किम के अंदर श्री पवन चामलिंग जी को और उनकी पार्टी को विजय प्राप्त हुई है। श्री पवन चामलिंग जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अरुणाचल के अंदर पहली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। अरुणाचल के अध्यक्ष और हमारे युवा मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी को भी पूरे पार्लियामेंट्री बोर्ड की ओर से मैं हृदय से धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, गोवा के अंदर 4 विधानसभा के चुनाव थे, उसमें 3 में भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की। बंगाल के अंदर बोलो भारत माता की। बंगाल के अंदर इतने अत्याचार और जुर्म और रेगिंग के बाद भी 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। और 5 विधानसभा के चुनाव थे, 5 विधानसभा में से 4 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई। ये बताता है कि बंगाल के अंदर आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी पूरे बंगाल के अंदर अपना वर्चस्व स्थापित करने वाली है। मित्रों, ये जो विपक्ष का पराजय है, और भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड विजय है, वो विजय टुकड़े-टुकड़े गैंग की विचारधारा के खिलाफ, टुकड़े-टुकड़े गैंग की विचारधारा लेकर चलने वाले पार्टियों के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी की सबका साथ सबका विकास की विचारधारा का विजय। ये विजय टुकड़ा-टुकड़ा गैंग की विचारधारा के खिलाफ शुद्ध राष्ट्रवाद के विजय का ये विजय प्रतीक है। मित्रों, जब 3 राज्यों के चुनाव हुए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उस वक्त कार्यकारिणी में मैंने कार्यकर्ता को कहा था कि कांग्रेस जीती जरूर है, हम हारे नहीं हैं। और आज मैं सभी 3 राज्यों के कार्यकर्ता को बधाई देना चाहता हूं, 65 में से 63 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी जीती है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल तक देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है,
जिसके देश की जनता 70 साल से राह देख रही थी। नरेंद्र मोदी जी ने 60 करोड़ गरीबों के लिए उनका जीवन स्तर उठाने का काम किया है, जिसका देश की गरीब जनता 70 साल से राह देख रही थी। चाहे शहर हो, गांव हो, नदी हो, रोड हो, रेल हो, हर जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम किया है, जिसका देश की जनता 70 साल से राह देख रही थी। आज देश की जनता ने मोदी जी की सरकार की उपलब्धियों को, मोदी जी की नीतियों को आज मन खोल कर आशीर्वाद दिया है, और उसके सामने विपक्ष जो नकारात्मक एजेंडा लेकर चला, मोदी हटाओ का नारा लेकर चला, अनर्गल आरोप मोदी जी पर लगाता रहा, और भारत की जमीन से जुड़ी हुई, न जुड़ी हुई, कटी हुई विचारधारा लेकर अपप्रचार करते रहे, उनको पराजय का मुंह दिखाने का काम भारत की महान जनता ने किया है। मित्रों, आज विजय के इस क्षण में मैं बंगाल के अंदर विगत 2 सालों में हमारे 80 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने के लिए अपनी जान गंवाई है। मैं वो 80 के 80 कार्यकर्ताओं को आज भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से मन पूर्वक प्रणाम कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, श्रद्धांजलि देना। केरल और कर्नाटक के अंदर भी हमारे कई कार्यकर्ताओं का जान गया है, उनको भी मैं श्रद्धांजलि देकर आज इस मौके पर याद करना चाहता हूं। मित्रों, आज जब हम यहां पर विजय का उत्सव मना रहे हैं, देश के हर जिले के कार्यालय पर हमारे कार्यकर्ता उसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं आज सभी कार्यकर्ताओं का जो परिश्रम है उसको भी साधुवाद देना चाहता हूं कि आपके परिश्रम के कारण ही एक इतना बड़ा विजय हुआ है। मित्रों, मोदी जी के मार्गदर्शन के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में अपना जनाधार बढ़ाया है, संगठन को बढ़ाया है, कार्य क्षेत्र की विस्तृति की है, और अब मुझे भरोसा है कि शायद ही देश का कोई ऐसा राज्य बचेगा जहां पर भारतीय जनता पार्टी को चुनावी सफलता नहीं मिलेगी। मोदी जी के अगले 5 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी के विस्तार का कार्यकाल बनने वाला है। मित्रों, विस्तार का कार्यकाल। आज मैं मेरे क्षेत्र के मतदाताओं का भी, गांधीनगर क्षेत्र के मतदाताओं का भी हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे आपने आपका प्रतिनिधि चुनकर देश की संसद के अंदर भेजा है। मित्रों, आज मैं आप सबकी ओर से प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपने जो नए भारत की कल्पना की है, सशक्त, समृद्ध, शिक्षित, संस्कृत भारत की जो कल्पना की है, आप आइए, देश का नेतृत्व करिए, और नए भारत की नींव जो रखी है इस पर एक मजबूत इमारत बनाइए। आजादी के 75 साल जब समाप्त हो, तब मोदी जी ने हम सब कार्यकर्ताओं के लिए और देश की जनता के लिए 75 संकल्प दिए हैं। हम सब का यह दायित्व है, और देश की जनता भी हमें इसमें आशीर्वाद दे कि 75 के 75 संकल्प 2022 में समाप्त कर विश्व के अंदर भारत को एक महाशक्ति बनाने का स्वप्न हम मोदी जी के नेतृत्व में पूरा करें। मित्रों, फिर से एक बार देश की करोड़ों जनता और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से मन से श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देकर और उनके आने वाले कार्यकाल की ढेर सारी शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं देकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।